Welcome to the Links E. In this session, we are going to discuss the first law of thermodynamics. Basically, first law of thermodynamics देखने में, सुनने में और समझने में law of conservation of energy की तरह लगता है. Law of conservation of energy हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं. Law of conservation of energy हमसे कहता है the energy can neither be created nor could be destroyed. Only one form can be converted into the another form. अब इस बात को समझ लेने के बाद हम लोग ये समझते हैं कि first law of thermodynamics क्या कहता है. क्योंकि इससे पहले ये बात discuss की जा चुकी है कि first law of thermodynamics looks exactly same like the law of conservation of energy, but they both are not same. दोनों different है, दोनों के statement अलग है. हमने law of conservation of energy को समझा, अब बात चलती है first law of thermodynamics की. तो first law of thermodynamics is basically based on a Joule's experiment. जूल सर ने क्या किया, बेसिकली ही टूक वन कंटेनर, उसको उन्होंने थर्मली आइसोलेट किया, यानी यहां पे पूरा हमने एक इंसुलेशन लगाया ताकि अंदर से हीट बाहर और बाहर से हीट अंदर ना जा सके. बेसिकली अंदर से बाहर या बाहर से हीट नहीं जाने का मकसद ये है कि अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर की वजह से चेंज ना हो पाए, इसलिए हमने यहाँ पर इंसुलेशन लगा दिया. यहाँ पर एक लिक्विड फिल कर दिया गया बेसिकली, और यहाँ पर एक फुल पैक्ड हमने एक स्टीरर लगाया. इस तरीके से हमने एक स्टीरर इंस्टॉल कर दिया, और यहाँ पर एक थर्मोमीटर भी हमने इंस्टॉल कर दिया जो कि बेसिकली उस लिक्विड का टेम्परेचर हमें मेजर करके बता सके. यहां पर कुछ मैकेनिकल अरेंजमेंट किया गया, पुलीज लगाई गई, और एक वेट को यहां पर आपने नीचे की तरफ गिराया. तो होता क्या है कि जब ये वेट नीचे की तरफ जाएगा तो देयर इज अ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, एंड मीनो एनर्जी कैन नदर बी क्रिएटेड नॉट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म. तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यहां पे ऑब्जर्व हो रहा है दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ वर्क हियर इन दिस पर्टिकुलर स्टीरर. आपका स्टीरर जो है वो घूमने वाला है. अब होता क्या है कि जब स्टीरर घूमता है तो जूल्स हैड एक्सपीरियंस्ड कि यहां पे जो थर्मोमीटर था उसकी रीडिंग जो है वो चेंज हो रही है. तो वहां पे उन्होंने इस चीज को कंक्लूड किया कि एक बात है कि भाई अगर अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कब चेंज होता है, खाना कब गर्म होता है, जब आप उसे हीट देते हैं तब वो गर्म होता है, या फिर खाना कब ठंडा होता है, जब वहां से आप हीट निकालते हैं तब वो ठंडा हो जाता है. तो बेसिकली क्योंकि आपने बाहर से इसे इंसुलेट करके रखा हुआ है तो बाहर से अंदर हीट आना पॉसिबल ही नहीं है, हीट तो अंदर ही जनरेट हुई है. तो बात यह चलती कि आपने कौन सा यहां पर सोर्स रखा था जिससे वहां पर हीट बनी. तो जूल कंक्लूडेड that this work that you had transferred through the stirrer has got converted into the heat. So basically the first law of thermodynamics says that heat and work are interconvertible. Aap heat se work aur work se heat bana sakte hain, ye pehli baat ho gayi. Dusri baat, if the particular system executes the cycle, cycle ka kya matlab hota hai ki aap jis state par the aap dobara usi state par agar wapas aa jaye jahan se aapne shuruaat ki thi wahin par aapne khatam kiya to use hum cycle kehte hain. So whenever the system executes the cycle according to the first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, you can say that sum total of work is equal to sum total of heat. Whatever the amount of heat you have transferred in the system, considering all those heats, and whatever the work you have obtained in entire cycle, आप उसे जब दोनों को रखेंगे तो आप पाएंगे कि दोनों का magnitude जो होगा वो दोनों का same होगा. So this was something about the first law of thermodynamics. I hope you must have understood this part. Thank you. To know more, sign up to www.linksy.in.